हेलो जी दोस्तों, यहाँ पर फाइटर मूवी के ऊपर जो है मथुन चक्रवर्ती का जो है काफ़ी शानदार रिएक्शन सामने आता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पर जो कि फाइटर मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी जैसे कि यहाँ पर पता चली है साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर चलती हुई देखने को मिल रही है। उसके बाद जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी हलचल जो कि मचती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तक कोर्स भी कन्फर्म नहीं है कि स्टोरी के अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी तक टीजर आना पेंडिंग के अंदर है। और कुछ जो यहाँ पर ऋतिक रोशन के फैंस हैं उनको ये लग रहा था कि भाई साहब ये जो मूवी है वो यहाँ पर जो कि यहाँ पर काफ़ी बड़े रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा हाइप नहीं देखने को मिल रही। दोस्तों यहाँ पर सबर करें, क्योंकि यहाँ पर अब आने वाले कुछ टाइम के अंदर ऋतिक रोशन की बर्थडे आने वाली है 10th of January, उसके बाद भाई साहब यहाँ पर आपको फाइटर मूवी की हाइप जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अब अगर ऐसा हो गया तो दोस्तों यहाँ पर सीन्स क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ पर जो हाइप क्रिएट होने वाली वो यहाँ पर काफी ज्यादा तारीफ के लायक, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मेकर्स हैं वो अभी बिल्कुल भी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल साइलेंट है, ना ही कोई मटेरियल आता हुआ दिखाई दे रहा, ना ही कोई ऐसी अपडेट आई है फाइटर मूवी के बारे में जिसके बारे में हम बोल सकें कि भाई साहब फाइटर की हाइप बढ़े। लेकिन आप ये कंफर्म कर लें कि भाई साहब ऋतिक रोशन की बर्थडे वाले दिन जो है वो हमको कुछ ना कुछ तो मटेरियल देखने को मिलेगा वो जो कि यहाँ पर भाई साहब हाइप क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऋतिक रोशन की बर्थडे वाला का इंतजार है। अब देखते हैं ऋतिक रोशन बर्थडे वाले दिन क्या सीन्स होते हैं, क्या मटेरियल जो कि आता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा मैक्सिमम जो चांसेस है वो यहाँ पर ट्रेलर के हैं, ट्रेलर आ सकता है। उसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर भाई साहब मथुन चक्रवर्ती बोलते हुए देखने को मिले हैं कि ये जो मूवी है फाइटर ये यहाँ पर काफी बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इस मूवी के अंदर देशभक्ति को जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। अगर यहाँ पर मूवी जो कि हमारे फाइटर्स के ऊपर है, हमारे यहाँ पर जो कि भाई साहब एयरफोर्स के ऊपर बनाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस मूवी के अंदर हमको बहुत बड़ा देशभक्ति का मैसेज मिलता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर इस मूवी के अंदर जंगी माहौलियात होते हैं तो हमको ये भी पता चलेगा कि अगर जंग किसी से होती है या फिर जंग का माहौलियात बनते हैं तो क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, कितने लोगों की जान जाती है, क्या सीन्स होते हैं, और हमारे जवान है वो भाई साहब कैसे कैसे जो है वो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, वो सब जगह जगह सीखने को मिलेगा। तो मूवी काफी बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ेगी, यहाँ पर मूवी काफी अच्छी कलेक्शन कर सकती है, ऐसी कुछ अपडेट्स मिलती हुई देखने को मिल रही है। अब हाइप बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर भाई साहब ऋतिक रोशन की मूवी हो और यहाँ पर ब्लॉकबस्टर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं क्या सीनरी पेश आते हैं, कैसी परफॉर्मेंस करती है, कैसी जो कि यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़कर दिखाती है, ये सब देखना बाकी है। वैसे छोटी सी वीडियो थी यहाँ पर फाइटर मूवी के बारे में, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम यहाँ पर हर एक जो अपडेट है वो आपको सबसे पहले पहुँचाते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा राधे राधे।